उपमा बनाने के लिए मुझे चाहिए सूजी, गाजर, कैप्सिकम, प्याज, धनिया, आलू, मिर्ची, मैंने सारे सब्जी चॉप कर लिया है। और मसाले में मुझे चाहिए धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तेजपत्ता, सौंफ, राई, और चाहिए मुझे नमक, हल्दी, तेल, घी। सबसे पहले मुझे सूजी को डाई रोस्ट करना है। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हम डालें सौंफ 1 टीस्पून, सरसों, राई और तेजपत्ता। सबसे पहले डालेंगे हम आलू। आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब डालेंगे गाजर। कैप्सिकम, अभी जाएगा प्याज, मिर्ची, आप जितना तीखा खाना पसंद करो इस हिसाब से मिर्ची डालना। अब जाएगा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, सारे सब्जी लगभग हमारे पक चुके हैं। अब डालेंगे सूजी सिकी हुई, मेरे इस तरीके से आप अगर उपमा बनाओगे एकदम खिले खिले उपमा बनेंगे। इसको भी थोड़ी देर चलाएंगे। अब हम डालेंगे गर्म पानी। पानी ज़्यादा मत डालना, जितना सूजी है उसके थोड़ा सा ऊपर तक आए इतना ही डालना है। अब ऐसे चलाते रहेंगे 5-6 मिनट तक। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो डालना, मैं डाल दी हूँ शक्कर। गैस हमने हाई फ्लेम में रखा है। घी, लगातार चलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, एकदम खिले खिले बनेंगे। अब डालेंगे हम धनिया, उपमा बनके तैयार है हमारी, हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम सर्व करेंगे।
एकदम खिले खिले बने हैं। इसी तरह की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए एक लाइक शेयर करना। धन्यवाद।